नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कल तक जो यूरोपियन देश पूरी दुनिया पर राज करते थे, आज वही यूरोपियन देश भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ चुके हैं। दोस्तों, आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति बन चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत फोर्थ नंबर पर रहते हुए भी रुकने वाला नहीं है और आने वाले समय में भारत और भी छलांग लगाएगा और आज पूरी दुनिया मान रही है भारत बहुत ही जल्द एक सुपर पावर बन सकता है। और ये सच है कि जिस तरह से भारत आज चल रहा है, उस तरह से अगर चलता रहे तो बहुत ही जल्द भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों, आज अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन जैसे देश परेशान है और वो किसी भी कीमत पर भारत को पीछे छोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुपर पावर तभी बनते हो जब आपके पास दूसरी देशों से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, आपके पास मिसाइलों का एक बड़ा बेड़ा है जो आपको दूसरे देशों से पूरी तरह से अलग रखता है। और आपके पास अगर ऐसी मिसाइल है जो किसी भी देश को लक्ष्य कर सकती है, तो फिर आप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हो। और दोस्तों, ये सच है कि अमेरिका, रशिया जैसे देश पिछले कई सालों से अपनी मिसाइलों के दम पर ही दुनिया पर राज करते हुए आए हैं और ऐसे में भारत अपने मिसाइल बेड़े को बहुत ही ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। साथ ही आए दिन भारत अपनी नई टेक्नोलॉजी, नई मिसाइल को टेस्ट भी करता रहता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आज हम ऐसी मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ना तो ये रुद्रम मिसाइल है, ना ही अस्त्र फैमिली की मिसाइल है और ना ही HSTDB है, और ये एक अलग प्रकार की मिसाइल है जिसको भारत ने दो टेस्ट कर चुका है और वो सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर कर चुका है और बहुत ही जल्द भारत इसको अपनी सेना में भी शामिल करने वाला है। दोस्तों, अभी दो दिन पहले ही रूस से ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जिस तरह परीक्षण कर रहा है वो अमेरिका और रशिया से बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है। और इसमें दोस्तों, भारत एक सौर मिसाइल पर काम कर रहा है जिसके दो टेस्ट ऑलरेडी क्लियर किए जा चुके हैं और बहुत ही जल्द इसको और भी ज्यादा गति प्रदान करने के लिए इसके और भी टेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, भारत अभी तक इसकी जो टेस्ट किया है उसमें 7.5 Mach तक की स्पीड तक सौर मिसाइल को पहुंचा चुका है और इसकी जो गति है आज दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनकी जो सबसे ज्यादा गति है वो 5.5 Mach के बराबर है, यानी कि ध्वनि की गति से 5.5 गुना तक पहुंचती है। और वहीं भारत अपनी मिसाइल को टेस्ट कर चुका है 7.5 Mach। तो ये दोस्तों एक अपने आप में बड़ी बात है कि भारत आज ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिससे भारत एक सक्सेसफुल मिसाइल बना सकता है। और दोस्तों, अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है 750 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन भारत बहुत ही जल्द इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। वैसे आपको बता दें कि ये एक हाइब्रिड मिसाइल है जिसमें दोनों ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की सारी खूबियां मौजूद रहेंगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जो स्पीड रखी गई है वो 3.5 Mach की रखी गई है, लेकिन हमने 7.5 Mach इसलिए बताया क्योंकि जब ये 90 डिग्री पर फ्लाई करती है तो इसकी जो स्पीड है वो 7.5 Mach तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के लिए ये बहुत ही घातक मिसाइल होने वाली है, इसलिए पाकिस्तान और चीन आज इसको लेकर काफी डरे हुए भी हैं। वैसे ये सच है कि भारत बहुत ही जल्द अपना सुपर पावर का जो लक्ष्य है उसके करीब जा रहा है और बहुत ही जल्द भारत एक सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों, आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।